मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में द्वाबा से विधायक श्याम सुंदर रोड़ा के निवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि श्याम सुंदर रोड़ा को द्वाबा से मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री का उनको रैंक दिया गया है और जब वो होशियारपुर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अपने समर्थकों की बदौलत ही आज मंत्री बने हैं तथा होशियारपुर का विकास उनका अहम लक्ष्य होगा तथा उसमें वह अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के वादों को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। होशियारपुर वासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के विधानसभा में भेजा, दूसरी बार विधानसभा में भेजा। ये जो मेरे ऊपर राहुल गांधी जी ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, अंबिका सोनी जी ने, आशा कुमारी जी ने, जाखड़ साहब ने और हमारे जो सह प्रभावी है हरीश चौधरी जी, जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो कैबिनेट मंत्री का पद है ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसके ऊपर काम करूंगा। मैंने समाज सेवा से राजनीति शुरू की थी, मेरा फर्स्ट टाइम राजनीति नहीं है। मैंने समाज सेवा से राजनीति की थी, समाज सेवा से राजनीति में आया था और जो मेरे लक्षण हैं, जो मेरे गुण हैं समाज सेवा के, वो ही मैं राजनीति में रखूँगा। और जो एक जिम्मेवारी, मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी, आपने देखा होगा कि द्वाबा में से एक ही मंत्री बनाया है, जो होशियारपुरियों को मौका मिला है और कैप्टन साहब ने, राहुल गांधी जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। ये मैं कहूँगा कि होशियारपुर के लोगों की जीत है, ये होशियारपुर के लोगों की जीत है और मैं पूरा तन मन से, पूरी लगन से इस पद के ऊपर काम करूँगा। और जो भी पहले भी मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, आज मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं है, उसने मेरे को बोला था कि अगर सियासत में जाना है, मैं तो चैरिटी का काम करता था, तो ईमानदारी के साथ काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, तो उसी लक्ष्य से हम लगे हुए हैं। और जो आज परमात्मा ने एक, मैं समझता हूँ कि कई बार आप काम करते हैं, आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा, आपको कोई देख नहीं रहा, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो परमात्मा हर वक्त देखता है। आज परमात्मा ने उसका फल दिया है, मैं और मेरा परिवार, हम सब होशियारपुरवासी और इस काम को पूर्ण रूप से करेंगे और जो होशियारपुर के रुके हुए काम हैं, जो होशियारपुर की डेवलपमेंट धीमी हो गई थी, उसको मैं तेज करने का प्रयास करूंगा। कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेरे मन में बहुत है, अभी जल्दबाजी होगी, मैंने बहुत कुछ सोचा है कि होशियारपुर को संतों का शहर कहते हैं, हमने सुना है कि संतों का शहर कहते हैं, इसको संतों का शहर बनाना है कि आने वाली जनरेशन भी इसको देख सके कि ये वाकई ही संतों का शहर है। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ जो जो होशियारपुर के अधूरे काम हैं, मेरे तो जिम्मेवारी पंजाब की बनी मिली है, लेकिन जो मेरा होशियारपुर का, जो जहाँ से जनता ने मेरे को चुना है, मैं पूर्ण रूप से, लगन से, मेहनत से काम करूँगा। जागती लहर के लिए होशियारपुर से विकास सूद के साथ संदीप वर्मा की रिपोर्ट।